झुंझुनू जिले को यूं ही नहीं वीरों की धरा कहा जाता है। जिले के रण कुबेरों ने अपनी शहादत से जिले का ही नहीं बल्कि पूरे देश का मस्तक गर्व से ऊपर रखा है। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए झुंझुनू के कुलदीप सिंह राव के अंतिम संस्कार में शनिवार को शामिल होने जनसैलाब उमड़ा। तकरीबन 15 से 20 हजार लोग शहीद को अंतिम सलाम करने, उनकी शहादत को नमन करने उनके पैतृक गांव घरडाना खुर्द में उमड़ पड़े। अंतिम सफर में उनके साथ हजारों युवा कुलदीप सिंह अमर रहे भारत माता की जय के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। उनकी पत्नी कुलदीप राव की तस्वीर को सीने से लगाकर खामोश रही, लेकिन जब अंतिम क्षणों में कुलदीप को मुखाग्नि दी गई तो उनकी पत्नी का दिल अपने आप को रोक नहीं सका और वे आई लव यू कुलदीप, आई लव यू बोल उठी। ये क्षण गांव में मौजूद लोगों की फिर आंखें नम करने वाले क्षण थे। कुलदीप राव के पिता भी डिफेंस में अपनी सेवा दे चुके हैं, वे नेवी से रिटायर्ड हैं। कुलदीप की बहन भी एयरफोर्स में अपनी सेवा दे रही हैं। कुलदीप के पिता ने शहादत पर नाज प्रकट करते हुए कहा कि वे सिर्फ मेरा बेटे नहीं हैं बल्कि पूरे देश का बेटा है और हमें कुलदीप पर नाज है। झुंझुनू की धरती ने ऐसे ही वीर सपूतों को फौलादी शरीर में ढाला है जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है और झुंझुनू की धरा को इन पर नाज है। मुख्यमंत्री जी ने ये अमर जवान ज्योति के ऊपर इन सभी 13 शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कार्यक्रम रखा था, उसमें मैं सैनिक कल्याण मंत्री की हैसियत से मैं भी उसके अंदर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए 10:40 का कार्यक्रम हुआ था। मैंने वहाँ भी जाके हमने वो श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी मैंने पुष्पहार चढ़ाया। और शेखावाटी के अंदर तो आपको बताऊँ, मेरी जानकारी के अंदर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा त्याग तपस्या और बलिदान के लिए राजस्थान को जाना जाता है और राजस्थान में शेखावाटी, और शेखावाटी के अंदर तो हमारा झुंझुनू है, तो इसके लिए यहाँ हमने जितनी कुर्बानी दी है देश के लिए, हमने जितनी कुर्बानी दी है, हमें इसके ऊपर नाज भी है, हम इस पर प्राउड करते हैं इस बात के ऊपर। लेकिन जिस परिवार ने अपना एक नौजवान बच्चा, जिस माँ बाप ने खो दिया, जिस बहन का सुहाग उजड़ गया, जिसकी शादी को 2 साल ही नहीं हुए थे, जिसका जीवन शुरू नहीं हुआ, उसकी क्षतिपूर्ति वो परिवार आप कभी नहीं कर सकते। गर्व भी है लेकिन गम भी है साथ में, बहुत दुख है। और ये तो है ही, ये तो हमारी जब यहाँ बच्चा पैदा होता है माँ के गर्भ से, तो सबसे पहले उसकी माँ टीका ही बारूद से करती है बच्चे को कि तेरे को फौज में जाना है, देश की हिफाजत करनी है, सेना में जाना है तेरे को, तो ये जज्बा हमारा। तो ये हमारे साथ में राजस्थान के मंत्री राजेंद्र हुड्डा थे और ये बता रहे हैं कि झुंझुनू जिले से हर कोई, हर एक गांव से एक सैनिक आपको ज़रूर मिल जाए और सबसे ज़्यादा जो है वो सैनिक देने वाले हैं वो झुंझुनू जिला ही है और शहीद हुए हैं उस पर उनको नाज भी है और गम में भी हैं क्योंकि एक जवान बेटा झुंझुनू ज़िले ने खोया है, झुंझुनू ज़िले ने ही नहीं देश ने खोया है, तो इस गम में भी अभी लोग हैं। घर के लिए, गांव के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए, लेकिन भारत की सेना इसी तरीके के सैनिकों की सेवा और समर्पण और शहादत से दुनिया में एक नंबर की सेना है। कुलदीप राव के शहादत को भुलाया नहीं जा सकेगा क्योंकि बहुत कम उम्र में इस शेखावाटी के सपूत
देश की सेवा करते हैं सीमा पर और सीमा के बाहर भी। हम सब के लिए एक दुखद घटना जरूर है, लेकिन नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी है कि झुंझुनू जिले से 1 लाख से भी ज़्यादा लोग या तो सेना में सेवा दे चुके हैं, सेवा दे रहे हैं, 500 से भी ज़्यादा शहादत ये बिरली धरती पर होती है। तो इस वीर प्रसूता भूमि को नमन करने भी आया हूँ। परिवारजनों को संबल मिले, मैं पार्टी के परिवार की तरफ से उनको संवेदना देने के लिए भी आया हूँ और उस शहादत को भी नमन करने के लिए आया हूँ जिसने एक बहुत दुखद हादसे में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। कुलदीप बचपन से 5वीं क्लास तक इसी स्कूल में पढ़ा था, ये सरकारी स्कूल में पढ़ा था। 5वीं के बाद में उनके पिताजी बॉम्बे में नेवी में थे तो बॉम्बे लेके चले गए थे फैमिली के साथ में। वहाँ उन्होंने इनको सीनियर पास करवाई, सीनियर पास करने के आईआईटी में इनका सिलेक्शन हो गया था। सिलेक्शन होने के बाद में 3-4 साल के बाद में ये एयरफोर्स में हो गए। एयरफोर्स में होने के बाद वहाँ पायलट बन गए, सीधे ही गए थे पायलट उससे 2013 के आसपास। उसके बाद में जब कई बार यहाँ आते थे, साथियों में बैठते थे, माताओं में, बहनों में, सब में जो भी बैठते थे तो यही बताते थे। यहाँ तो गांव में तो किसी का हवाई जहाज देखते हैं तो ऊपर से जाते तो पता तो करते हैं कि भाई ये कैसे चलती है, क्या होती है, बेटा ये बता, ये बता, तो वो खूब बता के जाते थे। ब्याह शादी में आते थे तो खूब उनके मन लगे हुए थे मतलब सबके। सर आखिरी मुलाकात तो उनकी कब? मेरी तो उनके भाई की शादी थी पिछले साल, तब हुई थी। मेरे से तो मेरे बच्चे समान ही थे तो मेरी तब हुई, तो मेरे को तो वो तो हंस के ही बता रहे थे कि ऐसे ऐसे हैं और भाई साहब बहुत ही बढ़िया है, मैं बहुत बड़ा नाम करूँगा इस गांव का और एक दिन मैं बड़ा नाम ले करके करके आऊँगा और आप देखना बहुत सम्मान होगा इस गांव का। तो हम उस टाइम तो ये सोचा जनरल ये बन के आएंगे, कोई बड़ा अफसर बन के आएंगे तो नाम होगा। अब मैं क्या बताऊँ, उससे भी बड़ा नाम कर देंगे। कम भी है पूरे गाँव वालों में हम देख रहे हैं और एक ये कहें कि गर्व भी महसूस कर रहे हैं। गर्व महसूस हो रहा है। गम तो ये है कि 4 दिन से पशुओं तक प्रकृति का नियम है, इतना बड़ा हुआ है कि पशुओं तक के भी गम है, वो भी सारा कम खा रहे हैं कि एक महसूस हो जाती है जिस धरती पर रहते हैं जानवर प्रकृति से जुड़े हुए हैं, मनुष्य तो है ही हैं, पशुओं तक के भी गम है। और उसके बाद में जब खुशी की बात आती है, आपसे में बतलाते हैं चौपाल पे, घर पे, कहीं भी बैठ करके, तो एक बात ज़रूर होता है कि वार्ड में एक नाम कर दिया और चीफ साहब के साथ में शहीद होकर के वार्डन तक की खबर फाइल तक चल गई कि भाई भारत का जनरल उसके साथ में 14 अफसर 13 अफसर एक वो मिसेज वो पायलट थे। तो ये तो नाम जब भी कुलदीप का नाम आया तो गलडाना खुर्द का नाम आ रहा है, गलडाना खुर्द का नाम आ रहा है तो इस पूरी धरती का मान सम्मान बढ़ रहा है, इससे बड़ा तो कोई मान सम्मान बढ़ा ही नहीं सकता। खैर फिर को पायलट बनना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इस महान शहादत के बाद तो उन्होंने इस गढ़ाना की पवित्र भूमि को पूरे भारत में और पूरे विश्व में नाम रोशन कर दिया है। कि अभी शादी भी हुए काफ़ी समय नहीं हुआ, 2 साल पहले ही इनकी शादी हुई थी तो बच्चे भी नहीं हैं अभी, तो बड़ा गम भी है लेकिन गर्व भी महसूस कर रहे हैं कि ऐसे उनहार बच्चे सब परिवार में पैदा हों और भगवान से हम यही आशा करते हैं कि सारे गांव। दास ही आर्मी का चाव था, इसके दादाजी भी 2 वर्ल्ड लड़ाई लड़ी थी, 71 और 65 वाली भी, और इसके दादा भी होनहार थे। और इसके एक बड़ा भाई था रणधीर का, वो भी आर्मी से और दार से रिटायरमेंट होके आए थे और ये रणधीर भी आर्मी से है, नेवी से है, और 3 बच्चे और भी हैं, इनका आर्मी से बड़ा ताल्लुकात था और बढ़िया ये खेलकूद के लिए भी थे, गाँव की सहयोग भी करते थे। जो कुलदीप हैं वो इसी गांव में अपनी प्राइमरी जो एजुकेशन है उन्होंने इसी गांव से की थी और मेरे पीछे आप जो स्कूल देख रहे हैं वहीं से, गांव के लोगों से हमने बात की, उन्होंने यही बताया कि वहीं से उन्होंने अपनी प्राइमरी जो एजुकेशन है वो यहां से की है। और झुंझुनू जो है अभी वो पार्थिव देह उनका झुंझुनू से रवाना हो गया है, कुछ देर बाद में यहाँ पे पहुँच भी जाएंगे और ये स्कूल के बाहर और गांव का एक चौक है, यहीं पर उनको श्रद्धांजलि वगैरह सब यहीं पर दिया जाएगा। और मैं बता दूं आपको कि सब गांव वाले जो हैं वो दुखी भी हैं लेकिन साथ में वो कह रहे हैं कि हमें इस बात का गर्व भी है कि जो कुलदीप है देश के लिए वो जो शहीद हुए उस डिफेंस में थे और डिफेंस देश की रक्षा के लिए है और उस दौरान उनकी जो शहादत हुई है उसके लिए वो गर्व भी महसूस कर रहे हैं। भारत माता जय, भारत माता जय, भारत माता जय।
भाई। Thank you.